नमस्कार, मैं द्युति लाल, चैनल पार्टनर बड़ा बिजनेस। आइए आज बात करते हैं कि आप फंड बेस्ड पैसिव इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। फर्स्ट, आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दो तरह के स्टॉक होते हैं, डिविडेंड स्टॉक, ग्रोथ स्टॉक। डिविडेंड से आपकी एक रिकरिंग इनकम बनती है, जिससे कि आपको कंपनी अपने प्रॉफिट्स पे कुछ शेयर्स आपको देती है इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड। ग्रोथ स्टॉक में आप उसकी प्राइस इंक्रीज पर आप उसे टाइम टू टाइम, जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो, आप सेल करके उसमें अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। सेकेंड, म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, लेकिन यहाँ पे एक सिनेरियो आप के बारे में सोचिए, जहां आप 20,000 रुपीज 20 साल तक हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो और मान के चलिए कि आपको उसमें 12% की इनकम मिलती है। उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपने इन्वेस्ट किए अराउंड 48 लाख रुपीज, लेकिन आप यहाँ पे पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखिए, आपको मिलते हैं उस 20 साल के बाद 12% एनुअलाइज रिटर्न पे 2 करोड़ रुपए। तो है ना ये अमेजिंग बात। तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड जो कि थोड़ी सी पुरानी है और उसमें ऑन एन एवरेज अगर आपको 15-20% का रिटर्न भी अगर मिल रहा है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज, आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आप लोगों को लोन दे सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट, आप एफडीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप अच्छी कंपनी के, गवर्नमेंट के, बैंक्स के बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स खरीद सकते हो, उसमें भी आपको इनकम जनरेट होती है। अब आप क्या कर सकते हो, चौथी चीज, आप अपनी रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम बना सकते हो वाया इन्वेस्टमेंट ऑन प्रॉपर्टीज। अब यहां पे मैं आपको सजेशंस दूंगी कि आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कीजिए, आप ऑफिस शॉप्स या वेयरहाउसेस में इन्वेस्ट करके आप उसको रेंट में लगा सकते हो। बहरहाल अभी थोड़ा कोरोना चल रहा है, लेकिन आगे इसकी अच्छी मार्केट रहेगी और आप इससे रेगुलर इनकम स्ट्रीम्स बना सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, बहरहाल अगर आप चाहते हैं ऑन रेगुलर इनकम स्ट्रीम बनाने का, तो आप हमारे आईपीसी मॉडल के बारे में भी इंक्वायर कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपको कैसे हेल्प करेगा रेगुलर इनकम स्ट्रीम और पैसिव इनकम क्रिएट करने में। आगे बढ़ते हैं, पांचवी चीज, किसी बिजनेस के साइलेंट पार्टनर बन सकते हो। आपने 10 साल पहले अराउंड जिन लोगों ने फ्लिपकार्ट में इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपए, आज उन्होंने 1 करोड़ या उससे अबव का कॉर्पस बना लिया। तो ये होती है पावर साइलेंट पार्टनर बनने की, लेकिन यहाँ पे आपको कंपनी को अच्छे से उसकी इनकम के बारे में और वो कैसी प्रॉफिटेबिलिटी देगा और उसका क्या फ्यूचर प्रोपोजिशन है, उसके बारे में जान के ही आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। नेक्स्ट, आप क्या कर सकते हो, आप बीपीओ या एलपीओ आप खोल सकते हो, उसकी भी आजकल काफी डिमांड है और इसमें आप इन्वेस्ट करके काफी अच्छी रिटर्न्स जनरेट कर सकते हो। लास्ट आखिरी मेथड के बारे में मैं बात करना चाहूंगी, दैट इज पीयर टू पीयर लेंडिंग। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे वहां की प्लेटफॉर्म की छोटी फीस देने के बाद आप लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट लेंड कर सकते हो और उससे भी आप अच्छी इनकम, अच्छा कॉर्पस जनरेट कर सकते हो। तो ये सारी स्ट्रीम्स के बारे में जान के आप अपने रिस्क एपेटाइट और आपका क्या इन्वेस्टमेंट का आउटकम है, आपका क्या, आप किस हिसाब से आप इनकम जनरेट करना चाहते हो, उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि आप कौन सी इनकम स्ट्रीम्स में आप इन्वेस्टमेंट करोगे। अगर आप कोई बिजनेस ओनर है या स्टूडेंट है और आप कुछ काउंसलिंग लेना चाहते हो अपने बिजनेस को बढ़ाने में, अपने करियर को आगे ले जाने में, या आप एक जॉब कर रहे हो और आप अपनी पैसिव इनकम सोर्सेज बनाना चाहते हो, तो आप नीचे दिए गए लिंक्स में फॉर्म फिल करके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारी टीम आपको फ्री बिजनेस कंसल्टिंग, फ्री करियर काउंसलिंग प्रोवाइड करेगी
और आपको हेल्प करेगी ग्रो करने में और मल्टीपल इनकम सोर्सेस को बनाने के लिए. टिल देन, ज्योति लाल साइनिंग ऑफ. थैंक यू. Are you really ready?